की शुरुआत में हमें कपल को देखते हैं जिन्हें तीन लड़के दौड़ा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों लड़के और लड़की को पकड़कर बेरहमी से मार देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक और कपल को देखते हैं जो यहाँ मछली पकड़ने आई है। यहाँ लड़के का नाम योड और लड़की का नाम बुआ है जो बोल नहीं सकती। ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद ये दोनों यहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगते हैं जहाँ कुछ बदमाश लड़के इन पर पत्थर मारकर भाग जाते हैं। अब एक पत्थर बुआ के सर पर आकर लगता है जिससे उसके सर से खून बहने लगती है। योड अब बुआ को उसके घर ले जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि बुआ के साथ बस उसकी मॉम रहती है क्योंकि उसके डैड का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है। बुआ की मोम अब बुआ की मलम पट्टी कर योड के पास आती है और कहती है कि तुम मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो क्योंकि बुआ तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है एंड इस रिश्ते को तुम्हारे घर वाले भी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम उसे भूल जाओ। इस पर योड बुआ की मोम से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं एंड हम बहुत ही जल्द एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, चाहे इसके लिए मुझे मेरी फैमिली के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। बुआ की मोम योड की यह बात सुनकर चुप हो जाती है। फिर अगले सीन में हम योड को उसके फैमिली के साथ देखते हैं जहाँ उसकी फैमिली योड को बुआ से दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि अगर योड ने बुआ से शादी कर ली तो पूरे गांव वाले उनका मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि तुम्हारे बेटे ने एक गूंगे से शादी कर ली। योड को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही योड अपनी मॉम डैड से कहता है कि वो बुआ से प्यार करता है एंड वो उसी के साथ ही शादी करेगा, जिसके बाद योड यहाँ से चला जाता है। फिर हम उन तीनों लड़कों को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं। इनमें से एक का नाम चेंग, दूसरे का नाम लेक और तीसरे का नाम पैट है। यहाँ चेंग एक वेट्रेस को छेड़ने लगता है जिसे गुस्सा होकर वो लड़की चेंग को थप्पड़ मार देती है। दूसरी ओर चेंग की वाइफ भी उसे बकने लगती है क्योंकि चेंग सब काम धाम छोड़ अपने बेवड़ू दोस्ते के साथ घूमते रहता है। अब योड और बुआ यहाँ फिर से मछली पकड़ने आते हैं। फिर मछली पकड़ने के बाद ये दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ चेंग एक बूढ़ी औरत से मछलियाँ छुड़ाकर भाग जाता है एंड फिर उन मछलियों को बड़े लिजाज से खाते हैं ये लोग। इस दौरान तीनों को योड और बुआ दिखता है जिन्हें रोक ये तीनों उससे झगड़ा करने लगते हैं। साथ ही तीनों उन लोगों की मछलियाँ भी छीन लेते हैं और तभी चेंग की वाइफ यहाँ आ जाती है जो इन तीनों को यहाँ से भगा देती है। फिर ये दोनों वापस अपने गांव आ जाते हैं जहाँ उसी बावना को देख पाते हैं जो एक दुकान से केले के गुच्छे को छुड़ा लेता है। इसके बाद जब दुकान का ओनर बाहर आता है तो उसे लगता है कि बुआ ने उसके केले चुराए हैं क्योंकि बुआ के हाथ में भी एक केले का गुच्छा होता है जो वो मार्केट से खरीद कर घर ले जा रही थी। अब बुआ के हाथ में केले देख शॉप ओनर बुआ को चोर समझ कर बहुत मारती है एंड उससे केला छीन कर ले जाती है। बुआ यहाँ चाहकर भी शॉप ओनर को नहीं बता पाती कि उसने उस केले को खरीदा है। बुआ को इससे काफ़ी दुख होता है क्योंकि गांव के लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे जस्ट बिकॉज वो एक गूंगी है। बुआ अब घर जाती है जहाँ हम योड की मोम को देखते हैं जो बुआ की मोम से अपनी बेटी को उसके बेटे से दूर रहने के लिए कहती है। बुआ ऊपर से यह सब कुछ सुन रही थी जिससे दुखी होकर वो खेत में आकर रोने लगती है। योड यहाँ आकर बुआ को मनाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर ये दोनों वापस से मछलियाँ पकड़ने लग जाते हैं लेकिन तभी यहाँ वो तीनों लड़के आ जाते हैं जो योड को मारकर बुआ को अपने साथ जंगल की तरफ ले जाते हैं। योड उन तीनों को पीछा कर यहाँ आ जाता है और तीनों को मारने लगता है लेकिन ये तीन होने के कारण योड इनसे निपट नहीं पाता। अब ये तीनों योड को बुरी तरह मारकर घायल कर देता है जिसके बाद चेंग बुआ के साथ रेप करता है। अब चेंग इन दोनों को मारने वाला होता है तभी बुआ इन तीनों से विनती करने लगती है पर चेंग को यहाँ इन दोनों पर जरा भी अफसोस नहीं होता इसलिए वो इन दोनों को मारकर जंगल में दफना देता है। दूसरी ओर हम बुआ की मोम को देखते हैं जो बुआ की राह देख रही होती है पर रात भर इंतजार करने के बाद भी जब बुआ घर वापस नहीं आती तो बुआ की मोम योड के घर चली जाती है। यहाँ बुआ की मोम योड की फैमिली से बुआ और योड के बारे में पूछती है। योड की फैमिली उससे कहती है कि हमें भी उन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता, वो दोनों रात से घर नहीं आए। जिसके बाद ये तीनों बुआ और योड को ढूंढने निकल जाते हैं। नदी किनारे आने पर तीनों को यहाँ कोई नहीं मिलता इसलिए ये तीनों एक बूढ़ी औरत से अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं जहाँ वो औरत बताती है कि उसने बुआ और योड को जंगल की तरफ भागते हुए देखा था जिनका चेंग पैट और लेग पीछा कर रहे थे। तीनों फैमिली मेम्बर्स ये सुन चेंग के घर जाकर उससे अपने बच्चों के बारे में पूछने लगते हैं जहाँ चेंग इनसे कुछ नहीं कहता इसलिए ये तीनों पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं पर इनके पास सबूत ना होने के कारण ये लोग चेंग के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा पाते हैं। इससे निराश होकर ये तीनों वापस अपने गांव आ जाते हैं जहां हम देखते हैं कि ये तीनों अपने अपने बच्चों को लेकर काफ़ी दुखी होते हैं। अगले दिन हम लेक को देखते हैं जो अपनी किए पर गिल्टी फील कर रहा होता है। इसी दौरान चेंग और पैट भी यहां आ जाते हैं जो लेक से उसके सैड रहने का रीज़न पूछते हैं तो लेक चेंग से कहता है कि हमने उन दोनों के साथ गलत किया है इसीलिए हमें गाँव वालों को सब कुछ बता देना चाहिए। चेंग यह सुन लेक के ऊपर गन टान देता है एंड उससे इस बात को राज रखने के लिए कहता है क्योंकि अगर ये बात गांव वालों को पता चला तो इन दोनों को जेल हो जाएगी। इसके बाद हम तीनों को पार्टी करते हुए देखते हैं जहां इनके साथ लड़कियां भी होती है। ये तीनों अब इन्जॉय करके अपने अपने घर चले जाते हैं जहां इन तीनों को बुआ की सोल दिखाई देता है जिससे ये तीनों बहुत डरे हुए होते हैं। फिर अगले दिन हम लेक को जंगल में देखते हैं जिसे कोई जान से मार देता है। इसके बाद हम रात को पेट को देखते हैं जो भगवान की पूजा करता है और सो जाता है लेकिन उसे यहाँ डरावने सपने आने लगते हैं। फिर दूसरे दिन हम पेट को नदी किनारे देखते हैं जो यहाँ मछली पकड़ रहा होता है तभी उसे कोई पीछे से पानी में डुबोकर मार देता है एंड अब बचा है सिर्फ चेंग
जिसे रात में सपने में बुआ दिखाई देता है, जिससे चेंग की एकदम से फट जाती है। चेंग अब उठता है तो उसे उसके सामने बुआ की आत्मा दिखाई देती है, जिससे चेंग गुस्से में एक चाकू लेकर बुआ पर हमला कर देता है। पर यहाँ हम देखते हैं कि वो बुआ नहीं बल्कि उसकी वाइफ चिन होती है, जिसे चेंग ने अभी मार डाला है। चेंग यह देख कर रोने लगता है, लेकिन फिर तभी कोई पीछे से चेंग को मार कर बेहोश कर देता है। आँख खुलने पर हम चेंग को रस्सी से बंधा हुआ देखते हैं, जिसके सामने योड और बुआ आते हैं, जो उसे बताते हैं कि वो लोग कैसे ज़िंदा बचे। दरअसल जब इन तीनों ने बुआ और योड को दफना दिया था, तब बारिश हो रही थी, जिस वजह से मिट्टी के अंदर पानी चले गई थी, इसलिए योड को होश आ गया एंड फिर ये दोनों बच गए। साथ ही योड चेंग को बताता है कि उन दोनों ने ही उसके दोनों दोस्त को मारा था। योड कहता है कि जब लेक जंगल में था, तब हम लोगों ने उसे पकड़ कर उसके प्राइवेट पार्ट पर गोली चला दी थी, जिससे उसकी वही मौत हो गई। साथ ही इन दोनों ने पेट को भी पानी में डुबो डुबो कर मार डाला था। एंड अब चेंग की बारी। चेंग इन दोनों से अपनी जान की भीख मांगता है, पर योड उसे उसी की तरह माफ़ नहीं करता और फांसी लगाकर मार डालता है।